हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यस होम डिज़ाइन के फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में लेकर आया हूँ फिर से चार बेडरूम घर का डिज़ाइन। जैसा कि यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ये चार बेडरूम घर का डिज़ाइन है। सबसे पहले यहाँ पे आप इसका डिज़ाइन देख लीजिए, उसके बाद इसका यहाँ पे आपको इसके अंदर में क्या क्या है वो भी आपको 3D में दिखाने वाला हूँ। उसके बाद इसका यहाँ पे नक्शा के बारे में भी डिस्कस करेंगे। यदि आप भी इंटरेस्टेड हैं, देखना चाहते हैं, तो छोटी सी वीडियो है, पूरी वीडियो देखते रहिए। तो दोस्तों चलिए सबसे पहले यहाँ पे आपको 3D में दिखा देता हूँ कि किधर बेडरूम, किधर किचन, टॉयलेट, बाथरूम किधर बना हुआ है वो आप देख लीजिए। उसके बाद इसका यहाँ पे आपको नक्शा दिखाऊंगा। सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए, सामने इसका रोड है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका मेन गेट इस तरह से हो जाएगा। मेन गेट से जैसे ही अंदर आते हैं तो यहाँ पे ओपन स्पेस मिल जाता है, और दोनों साइड से यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से यहाँ पे जगह छोड़ा गया है। इस साइड से यहाँ पे देख सकते हैं इधर छोड़ा गया है, और यहाँ पे पीछे के साइड भी आप देख सकते हैं पीछे भी यहाँ पे जगह छोड़ा गया है। मिनिमम 2 फीट साइड से छोड़ना चाहिए वेंटिलेशन के लिए, ताकि खिड़की वगैरह खोल पाएँ और प्रॉपर वेंटिलेशन हो पाए। दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले देख सकते हैं ये वाला यहाँ पे मेन एंट्रेंस हो जाता है। इस डोर से अंदर आ जाएंगे, ठीक है। अंदर आने के साथ यहाँ पे आप बरामदा में एंटर हो जाते हैं। बरामदा में जैसे ही आते देख सकते हैं यहाँ पे यदि कोई गेस्ट वगैरह आता है तो उसे आप यहाँ पे चेयर वगैरह लगा करके बैठा सकते हैं। दोस्तों बरामदा के सामने यहाँ पे एक गेस्ट रूम मिल जाता है। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं ये गेस्ट रूम है, और यहाँ पे 2 विंडो दिया गया है ताकि ये प्रॉपर वेंटिलेशन हो पाए। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए इस तरह से यहाँ पे आर्च टाइप का डिज़ाइन दे देंगे, और इससे यहाँ पे अंदर आ जाएंगे, ठीक है। यदि आप यहाँ चाहें तो कर्टन वगैरह लगा सकते हैं, पर्दा लगा सकते हैं। यदि कोई गेस्ट आए तो यहाँ पे पर्दा लगा देंगे तो प्राइवेसी में आ जाएगा। आप चाहें तो यहाँ पे डोर भी लगा सकते हैं। तो चलिए फिर उसके बाद यहाँ पे अंदर आ जाते हैं। अंदर आने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी स्पेशियस डाइनिंग कम लिविंग हॉल मिल जाता है। तो यहाँ पे देख लीजिए इस तरह से इधर एक लिविंग लॉबी टाइप का दिया गया है, तो इस तरह से यहाँ पे सोफा सेट वगैरह लगा सकते हैं, और यहाँ पे एक LCD वगैरह लगा सकते हैं, तो इधर बैठ करके फैमिली के साथ TV वगैरह देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे डाइनिंग टेबल वगैरह भी इधर लगा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे आपको दिखा दूँ कि ये वाला आपका यहाँ पे एक बेडरूम मिल जाता है, तो ये बेडरूम का साइज वगैरह नक्शा में देखेंगे। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए सामने एक सीढ़ी दिया गया है, ऐसे करके आएंगे और यहाँ पे देख लीजिए किस तरह से यहाँ पे सीढ़ी पे चल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे करके आकर के ऐसे करके फर्स्ट फ्लोर पे चले जाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पे एक सीढ़ी मिल गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए एक यहाँ पे टॉयलेट दिया गया है, और यहाँ पे एक टॉयलेट कम बाथ दिया गया, ठीक है। टॉयलेट अलग है, टॉयलेट कम बाथ अलग है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे 2 टॉयलेट बाथरूम हो गया, और यहाँ पे देख सकते हैं आप एक बेडरूम दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे एक टॉयलेट कम्बाइन बाथरूम और दिया गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए और यहाँ पे एक बेडरूम मिल जाता है, और इस कॉर्नर में यहाँ पे देख सकते हैं अग्नि कोण में एक किचन दिया गया, ठीक है। तो वास्तु के अकॉर्डिंग साउथ ईस्ट में दिया गया है किचन, जो कि सही होता है। उसके बाद किचन के सामने एक स्टोर रूम दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पे एक स्टोर रूम बन जाता है। इस तरह से आपने देखा, कैसा लगा डिज़ाइन आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। और यदि आप भी मेरे से नक्शा वगैरह बनवाना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब इसका नक्शा देख लेते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं ये है उसका नक्शा। सामने इसका रोड है, और यहाँ पे देख लीजिए ये नॉर्थ फेसिंग है, ठीक है। फ्रंट इसका नॉर्थ हो गया, बैक साइड साउथ यानी दक्षिण, इधर आपका हो गया ईस्ट पूर्व, और इधर हो गया वेस्ट पश्चिम, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए ये ग्राउंड फ्लोर का नक्शा है, और यहाँ पे ये वाला मेन डोर हो जाता है। मेन डोर से अंदर आते हैं तो बरामदा में एंटर हो जाते हैं। बरामदा का साइज दिया गया है 16 फीट 11 इंच बाई 11 फीट 6 इंच। बरामदा के सामने एक गेस्ट रूम है 12 बाई 15 का, और इधर से अंदर आ जाते हैं। अंदर में एक डाइनिंग हॉल मिल जाता है, जिसका साइज यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे
16 फीट 2 इंच है और इधर से यहाँ से यहाँ तक देखा जाए तो 26 फीट 5 इंच है, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं फैमिली लॉन्ज या लिविंग लॉबी कह सकते हैं आप, ठीक है। लिविंग लॉबी में यहाँ पे इसका साइज़ दिया गया है 11 फीट 4 इंच, ठीक है, इधर से 11 फीट 4 इंच मिल जाता है। और सामने यहाँ पे 12 बाई 15 का एक रूम है और इधर एक स्टोर है 7 बाई 6 फीट का, और पीछे यहाँ पे 12 बाई 10 का एक किचन मिल जाता है और यहाँ पे एक बेडरूम मिल जाता है, देख सकते हैं। इसका डोर इधर से दिया गया है 12 बाई 15 का, ये वाला बेडरूम है, इधर भी 12 बाई 15 का बेडरूम दिया गया है। 5 बाई 8 का यहाँ पे एक बाथरूम मिल जाता है और यहाँ पे देख सकते हैं 7 फीट 9 इंच बाई 4 फीट का एक टॉयलेट कंबाइंड बाथरूम मिल जाता है और यहाँ पे एक टॉयलेट मिल जाता है जिसका साइज है 4 बाई 5, ठीक है। यहाँ पे बेसिन वगैरह लगा सकते हैं जैसा कि आपने 3D में देखा था। और उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं एक सीढ़ी दिया गया है 3 फीट 6 इंच का, यहाँ पे स्टेप होगा और ऐसे करके आएंगे और ऐसे करके फर्स्ट फ्लोर पे चले जाएंगे। तो इस तरह से आपने देखा कैसा लगा नक्शा। और दोस्तों यहाँ पे आपको बता दूं कि ये जो नक्शा बनाया गया है ये 43 फीट 6 इंच में, ठीक है, इसकी चौड़ाई है मकान की जो चौड़ाई होगी, उसके बाद इसकी लंबाई जो होगी 48 फीट 4 इंच, ठीक है। और यहाँ पे 3 फीट 6 इंच का यहाँ पे छत बनाएंगे ताकि फर्स्ट फ्लोर जब भी बनाएंगे तो इसका बालकनी वगैरह इधर बना सकते हैं। उसके बाद इधर भी 3 फीट 6 इंच का छत यहाँ पे बढ़ेगा, ठीक है। तो और यहाँ पे दोस्तों एक बात आपको बता दूँ कि इधर फैमिली लॉन्च से एक डोर दिया गया है, इधर से भी बाहर आएंगे और ऐसे करके यहाँ पे देख सकते हैं सेटबैक है, तो इधर भी चलने फिरने के लिए जगह मिल जाएगा। तो इस तरह से ये डोर सेकेंड डोर दिया गया है एंट्री के लिए, ठीक है। तो आपने देखा कैसा लगा नक्शा, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।